हेलो एवरीवन, अगर आप 2022 में जॉब ग्रैब करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में क्लिक किए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि आप 2022 में कैसे जॉब को ग्रैब कर सकते हैं, कैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को आपकी स्ट्रैटेजी और आपके प्रिपरेशन को बेहतर करने का पूरा कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो जान लीजिए IBPS PO जो 2022 में और IBPS क्लर 2022 में जो होने वाली एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं टू डू लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये टू डू लिस्ट दोनों स्टूडेंट टाइप के लिए है, जो बिगनर्स है और जो एक्सपीरियंस है, जो अभी अभी शुरू किए हैं, जो फ्रेश स्टार्ट किए हैं, जिनका रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस वाले को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि क्या आप लोगों को करने से और आप लोगों का प्रिपरेशन बेहतर हो सकता है। तो दोनों स्टूडेंट इस वीडियो को फॉलो करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और ये टारगेट कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और अगर किसी प्रकार के कोई चेंजेस की ज़रूरत होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देख लीजिए IBPS PO क्लर 2022 स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट। यहाँ पे मैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट स्ट्रैटेजी की भी ज़रूरत होती है। डे वन है टू डू लिस्ट का, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि हो सके 2022 आप लोगों के लिए आखिरी मौका हो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर सरकार की तरफ से बोला गया है जो भी अपना NRA CET है जैसे कंडक्ट कराएंगे उसके बारे में अभी हम लोग को कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना बता दिया गया है कि अगले साल से वो लागू हो जाएगा। इसलिए अगले साल पे आप डिपेंड ना रहे, अपना ये इस साल अपना सीट एक कंफर्म जरूर कर ले। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं कुछ बिगनर्स के लिए आपको बता रहा हूँ जो रिसेंटली प्रिपरेशन शुरू किए हैं। सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन में आप लोगों को सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट, जितने टाइप्स के आप लोगों को जो सब्जेक्ट एंड भर एग्रीमेंट के रूल्स वगैरह रहते हैं वो जरूर पढ़िएगा। भर चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उसमें आप लोगों को ग्रामर के कुछ रूल्स जो हैं वो आपके एरर फिलर वगैरह में काम आने वाले हैं। फिर आपको टेंसेस के रूल पढ़ने हैं। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप उसे अच्छे मन से पढ़िए। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ कि वो मैथ और रीजनिंग में तो अपना 100% एफर्ट डालते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में ही अपना 100% नहीं डालते हैं, और बाद में बोलते हैं कि इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, इंग्लिश में मार्क्स नहीं आता है। तो मार्क्स कैसे आएगा? अगर आप कोई काम को आधा अधूरा काम करिएगा तो रिजल्ट भी तो आधा अधूरा ही मिलेगा। इसीलिए जैसे आप मैथ और रीजनिंग में अपना टाइम देते हैं वैसे इंग्लिश में भी टाइम दीजिए। ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आप यूट्यूब का किसी भी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ रिकमेंडेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आप जहाँ से भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है। एक बुक मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दे रहा हूँ, नीतू मैम का बुक है जो कि KD कैंपस के थ्रू पब्लिकेशन है, आप लोगों को वो बुक फॉलो कर सकते हैं, उसमें बेसिक ग्रामर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आपको डेली एडिटोरियल पढ़ना, ये मस्ट है, आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है। आपको एडिटोरियल पढ़ना, द हिंदू को आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फिर उसमें से जो भी वर्ड मीनिंग मिलेगा उसको आपको कलेक्ट करना है। फिर EDM है, फ्रेजेस पढ़ना है आप लोगों को। RC और क्लोस्टेज आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अगर आप शुरू में एडिटोरियल खुद से नहीं पढ़ना चाहते या खुद से पढ़ने में समझ नहीं आता है तो आप निमिषा मैम को फॉलो कर सकते हैं, उनका एडिटोरियल का चैनल, वहाँ पर मैम डेली बेसिस पर एडिटोरियल बताती है। अब जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि इंग्लिश में क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को रिवाइज करना 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो निमिषा मैम के द्वारा दिया गया है, उसका आप अगर हैंड रिटन नोट्स बनाए तो काफ़ी अच्छा, आप वहाँ से रिवाइज करिए। अगर हैंड रिटन नोट्स नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके PDF निकाल के उसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं, उसे जरूर रिवाइज करिए। फिर आप लोगों को एक सेक्शनल टेस्ट देना है। सेक्शनल टेस्ट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं। फिर 20 क्वेश्चन एरर और 20 क्वेश्चन फिलर से करना। जब भी एरर फिलर के क्वेश्चन करते हैं आप तुक्का ना लगाएं, हमेशा आप कॉन्सेप्ट को समझ के क्वेश्चन को किया करें। इतना करने के बाद ये सेक्शन भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये सेक्शन मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि ये सेक्शन भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। ये सेक्शन दोनों के लिए है, बिगनर्स के लिए भी है और एक्सपीरियंस वाले के लिए भी है।
चलिए मैथ में देखते हैं कि बिगनर्स और आप लोगों को एक्सपीरियंस और लोगों को क्या करना। अगर आप मैथ अभी अभी शुरू किए हैं तो सबसे पहले आप लोगों को टेबल याद करना, 1 से 25 तक एकदम अच्छा से रटा हुआ होना चाहिए। स्क्वायर रूट याद करना है आप लोगों को 1 से 50 तक। जब आप 1 से 50 तक उसको अच्छे से रूट स्क्वायर रूट आप याद कर लेंगे, उसके बाद आपको 2 डिजिट ट्रिक और 3 डिजिट ट्रिक आप लोगों को सीखना है, उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों को क्यूब में भी वैसे ही करना है, क्यूब में आपको 1 से 30 तक याद करना है। याद करने के बाद आप लोगों को 2 डिजिट ट्रिक और 3 डिजिट आप लोगों को याद करना है। ये कम से कम आप लोगों को 1 वीक तक करना है। अगर आप अपना मतलब कि आप चाहते हैं कि मेरा स्पीड इंक्रीज हो, तो आप इसे 1 वीक फॉलो करिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, अगर ये जो चीज़ आप डेली एडिटोरियल अगर आप खुद से नहीं पढ़ रहे, आप मैम को फॉलो कर रहे हैं, तो मैम को फॉलो कर रहे हैं तो आप बस 15 डेज ही तक फॉलो करिएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को खुद से पढ़ना है, खुद से पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैम जो पढ़ा रही है वहाँ पे तो आप लोग कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन खुद से पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू, ये समझिए यहाँ से प्री लेवल में आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जहाँ बहुत सारे अच्छे टीचर्स आप लोगों को समझाएं कि परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालना है। ये आप लोगों को 1 वीक तक करना है। अगर आपका बेसिक कैलकुलेशन और स्पीड नहीं आता है या ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, तो बेहतर करने के लिए आपको 1 वीक टाइम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस स्टूडेंट वालों को क्या करना है, जो पहले से तैयारी कर चुके हैं उनको सबसे पहले एक सेक्शनल टेस्ट देना है। आप अड्डा के ऐप से जाकर सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, वहाँ डेली बेसिस पे अपडेट किया जाता है। फिर आपको 5 TI करना है, बेस्ट क्वेश्चन। अब क्या है बात यहाँ है कि जो भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट है, अभी हाल फिलहाल में तो बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे आप लोग, तो उनको आपको जो भी रिसेंट एग्जाम हुए वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और हमेशा बेस्ट क्वेश्चन करना। बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को किसी बुक में, अपडेटेड बुक में सिर्फ मिलेगा, आपको पुराने बुक में नहीं मिलेगा। तो आप PDF को फॉलो कर सकते हैं, गाइडली का बहुत सारा PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गाइडली का जो PDF बंडल आता है, जो सब्सक्रिप्शन पेड कोर्स है, तो वो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे देखिएगा, तो बहुत सारा गाइडली का PDF मिल जाएगा। फिर 30 क्वेश्चन आप लोगों को मिक्स्ड अर्थमेटिक क्वेश्चन करना है। आप लोगों को हमेशा मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जो भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट है। फिर आशीष अरोड़ा सर PDF, अगर आप मिक्स क्वेश्चन यहाँ से नहीं कर रहे हैं तो आप आशीष अरोड़ा सर के PDF प्रोवाइड किया जाता है, तो वो PDF आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा आप लोगों को। रीजनिंग में आप लोगों को जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको पहले अल्फ़ाबेट्स नंबरिंग याद करना है, अच्छे से याद करना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर ऑपोजिट भी याद करना है, जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, इस तरह आप लोगों को जो ऑपोजिट होता है उसे भी याद करना, ये आपके लिए Day 1 का काम है, तुरंत हो जाएगा, आप अच्छे से बस उसको प्रैक्टिस करिएगा। फिर आप लोगों को इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट वीडियो देखना है, जिसमें ये इधर और का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन आप लोगों को एक्सपीरियंस वालों को भी देखना है, क्योंकि यहाँ से अच्छे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं प्री और मेंस में। फिर आप लोगों को एक सेक्शनल टेस्ट देना है, जो भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट है। 5 पजल्स करना, बेस्ट क्वेश्चन, जितने भी रिसेंट एग्जाम हुए उसके क्वेश्चन करिएगा, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिसेंट क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फिर आपको टॉपिक वाइज क्विजेस देना है, अगर आपका सारा टॉपिक्स क्लियर है अच्छे से, तो आप स्मार्ट गेटअप पर जाकर क्विजेस दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्विजेस है। रीजनिंग के लिए टॉपिक वाइज क्विजेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बिगनर्स और जो भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको सबसे पहले जो स्टार्टिंग पीरियड में है, जो लर्निंग पीरियड में, वहाँ आप लोगों को फोकस ऑन लर्निंग एंड प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप लर्निंग में फोकस करिएगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों को अच्छा रहेगा। लर्निंग के बाद आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, आपको जल्दी जल्दी के चक्कर में नहीं रहना है। जल्दी जल्दी के चक्कर में रहिएगा तो फिर सब कुछ खराब हो जाएगा। टाइम है अभी IBPS और PO और क्लर्क के लिए, मैं बस जो बताता जा रहा हूँ उसे फॉलो करिए, आपका निश्चित तौर पर प्री और मेंस दोनों क्लियर होगा। अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, मन से शिद्दत से फॉलो कर लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। और एक्सपीरियंस वाले को तो क्या ही बात है, एक्सपीरियंस वालों को तो समझ लीजिए कि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो अच्छे से फॉलो कर लेते हैं। आपको डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट देना है, चाहे आप अड्डा या प्रैक्टिस मॉक से दे सकते हैं। अगर आप अभी तक परचेस नहीं किए हैं तो परचेस कर लीजिए। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है और ये मेरा इंस्टा का नाम है। किसी प्रकार का भी क्वेरीज होगा तो आप मुझे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं।
ये टारगेट कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्या ये टारगेट को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए वो भी मुझे बताइएगा, और कुछ चेंजेस का ज़रूरत होगा तो वो भी मुझे सजेस्ट करिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे आपका रिप्लाई ज़रूर मिलना चाहिए। और जब भी आप ये डे वन का जैसे अगर आप टू डू लिस्ट फॉलो कर लिए, कंप्लीट कर लिए, तो मुझे डन का भी मैसेज आपका चाहिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि समझिए कि आपको तैयारी करना है, आपको जॉब लेना है, तो उसमें मेरा भी मतलब कि मैं भी अपना रोल देना चाहता हूँ आप लोगों कि आप लोग तैयारी करें, अच्छा से तैयारी करें, तो इसीलिए मुझे आपका डन का मैसेज चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, जितना ज़्यादा शेयर करिएगा उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टू डू लिस्ट में, अभी के लिए बाय, थैंक यू।